ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल प्रमुख नवीन पटनायक ने विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट की घोषणा की। पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए 9 और लोकसभा चुनाव के लिए 1 उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। ओडिशा में लोकसभा की 21 और विधानसभा में 147 सीटों पर एक साथ चुनाव होने हैं। सत्ताधारी पार्टी बीजेडी लोकसभा की सभी 21 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर चुकी है। हालांकि पार्टी ने अब तक विधानसभा की 117 सीटों पर ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है।